अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं मोहसिन जफर टीवी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम दोस्तों 15,000 रुपीज़ के बजट के अंदर 2 गेमिंग पीसी बिल्ड करेंगे। जी हां दोस्तों, यहां पे हम फर्स्ट गेमिंग पीसी जो बिल्ड करेंगे वो डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड के साथ होगा, और जो दूसरा गेमिंग पीसी बिल्ड करेंगे 15,000 रुपीज़ के बजट के साथ, उसके अंदर आपको डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड देखने को नहीं मिलेगा। और वहाँ पे आपको बिल्ट इन जो ग्राफिक्स होते हैं प्रोसेसर के अंदर, उसके साथ हम वो पीसी जो है वो बिल्ड करेंगे। तो टोटल हम 15,000 रुपीज़ के बजट के अंदर 2 गेमिंग पीसी जो है वो बिल्ड करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कि आज के गेमिंग पीसी बिल्ड के अंदर हमने कौन से कंपोनेंट्स जो हैं वो यूज़ किए हैं। इसमें दोस्तों सबसे पहले जो बिल्ड जो कि हम 15,000 रुपीज़ के बजट के अंदर करेंगे, अगर उसके कंपोनेंट देखें तो यहाँ पे हमने एक ब्रांडेड पीसी लेना है, जो कि आप डेल और एचपी का भी ले सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने डेल का जो ऑप्टिक प्लग 780 टावर के अंदर जो एक सिस्टम है वो यूज़ कर लिया। ये बेसिकली कोर टू डुओ कोर टू क्वाड प्रोसेसर को दोस्तों ये सपोर्ट करता है, और इसके ऊपर आप दोनों किस्म के प्रोसेसर लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसके साथ क्वाड कोर प्रोसेसर लगाएं, और वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने वो कौन सा लगाना है। वैसे आपको इसके अंदर जो है प्रोसेसर है 2 किस्म के देखने को मिल सकते हैं, जिसके अंदर पहला जो प्रोसेसर है वो Q9550 हो सकता है। ये क्वाड कोर प्रोसेसर है 4 कोर 4 थ्रेड के साथ, और 2.8 गीगाहर्ट्ज़ की आपको इसके अंदर फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगी। और जो दूसरा प्रोसेसर मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो इसके साथ दोस्तों आ जाता है इंटेल का कोर टू क्वाड Q9650। 12 MB की कैश मेमोरी है, और ये 3 GHz की स्पीड के साथ आपको देखने को मिल सकता है। दोनों में से जो भी मिल जाए दोस्तों दोनों ही बेस्ट हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर Q9650 मिल जाता है तो ये ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। और उसके साथ दोस्तों इसके अंदर आपको 4 GB से लेके 8 GB तक DDR3 की रैम देखने को मिल सकती है, और उसके अलावा इसके अंदर आपको हार्ड डिस्क के तौर पे यहाँ पे आपको 500 GB की या 320 GB की हार्ड डिस्क जो है वो भी देखने को मिल सकती है। बाकी इसके अंदर दोस्तों जो आपको मदरबोर्ड होगा, केसिंग होगी और पावर सप्लाई बिल्ट इन इसी के अंदर आपको पीसी के अंदर देखने को मिल जाएगा। अब हम दोस्तों अगर इस पीसी की प्राइस की बात करें विदाउट ग्राफिक कार्ड, तो इसकी जो कॉस्ट बनती है दोस्तों डेल ऑप्टिक प्लस 780 की, तो ये आपको मार्केट में 8,000 से 10,000 रुपीज़ के अंदर देखने को मिल सकता है, इन स्पेसिफिकेशन के साथ जो मैंने आपको बताई हैं। और इसके साथ दोस्तों अब हम अगर ग्राफिक कार्ड का बजट देंगे तो ऑलमोस्ट हमारे पास तकरीबन 5,000 का ग्राफिक कार्ड का जो बजट है वो हमारे पास बाकी रह जाता है, जिसके अंदर हमने ग्राफिक कार्ड जो है इसके साथ पेयर करना है। तो ग्राफिक कार्ड के अंदर मैंने दोस्तों इसके साथ जो पेयर किया वो G4 GT 640 का जो ग्राफिक कार्ड है वो पेयर किया है, जो कि 1 GB का ग्राफिक कार्ड है दोस्तों। GDDR5 GB रैम ऑफर करता है, 128 बिट का मेमोरी इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है, और इसके ऊपर आपको प्लेबल FPS देखने को मिल जाएंगे 720p के रेजोल्यूशन के साथ। और उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप PUBG भी प्ले कर सकते हैं, इसके ऊपर आप GTA 5 भी प्ले कर सकते हैं, और 720p के रेजोल्यूशन के साथ आपको प्लेबल FPS जो है वो देखने को मिल जाएंगे, और गेमिंग का एक्सपीरियंस एंट्री लेवल का ये आपको गेमिंग पीसी जो है वो 15,000 रुपीज़ के बजट के अंदर करवा देगा। इसके साथ अगर ये दोस्तों ग्राफिक कार्ड आपको नहीं मिलता, अगर इसके साथ दूसरा ग्राफिक कार्ड यूज़ करना चाहते हैं तो वो आप इसी पीसी के साथ AMD का Fire Pro V4900 भी यूज़ कर सकते हैं, और ये भी 1 GB का ही ग्राफिक कार्ड है, GDDR5 GB RAM और 128 बिट का मेमोरी इंटरफेस जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और ये भी दोनों ग्राफिक कार्ड जो हैं वो आपको 5,000 रुपीज़ की प्राइस रेंज के अंदर जो है वो देखने को मिल जाएंगे। और इसके साथ तीसरे ग्राफिक कार्ड की भी ऑप्शन वो भी आपको दे देता हूँ दोस्तों, इसके साथ आप डेल का AMD Radeon HD 7570 ये ग्राफिक कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं, और ये ग्राफिक कार्ड भी इजीली आपको मार्केट में देखने को मिल जाता है, लेकिन इसकी जो परफॉर्मेंस है दोस्तों गेमिंग की थोड़ी कम देखने को मिलेगी। हालांकि ये भी 1 GB का ही ग्राफिक कार्ड है, GDDR5 GB RAM ऑफर करता है, और 128 बिट का मेमोरी इंटरफेस भी देखने को मिल जाता है, और ये भी आपको 5,000 रुपीज़ के अंदर ही देखने को मिल जाता है। और इन तीनों ग्राफिक्स कार्ड में से जो भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा, ये GT 640 का ग्राफिक कार्ड है या AMD का Fire Pro V4900 है। कोशिश कीजिएगा कि इन दोनों में से कोई आपको एक ग्राफिक कार्ड जो है वो मिल जाए। तो ये हमारी जो दोस्तों फर्स्ट बिल्ड है ये 15,000 रुपीज़ के बजट के अंदर कंप्लीट हो जाती है, और ये डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड के साथ आपको ये बिल्ड जो है वो देखने को मिल जाएगी। सेकंड बिल्ड की बात करूँ जो कि हम दोस्तों 15,000 रुपीज़ के बजट के अंदर आज हम बिल्ड कर रहे हैं, इसके अंदर आपको डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन बिल्ट इन ग्राफिक्स जो है प्रोसेसर के अंदर जो होते हैं वो आपको लाजमी देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हमने एक ब्रांडेड पीसी जो है वो चूज़ किया, वो आपका आ जाता है डेल का ऑप्टिक प्लस 790। आप डेल और HP कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाए, और ये दोस्तों बेसिकली सेकंड जनरेशन का एक ब्रांडेड पीसी जो कि डेल की तरफ से आपको इजीली मार्केट में देखने को मिल सकता है। और इसके अंदर भी आपको मिनिमम से मिनिमम जो है वो 4 GB की रैम देखने को मिल सकती है, 8 GB की रैम भी देखने को मिल सकती है, उसके अलावा इसके अंदर भी आपको 500 GB की हार्ड डिस्क देखने को मिल सकती है। और उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको इसके अंदर बिल्ट इन आपको इसकी केसिंग, मदरबोर्ड और पावर सप्लाई इसके अंदर ही देखने को मिल जाएगी सिस्टम के,
और उसके अलावा दोस्तों अब हम इस पीसी के साथ प्रोसेसर की बात करें जो कि हमने पेयर किया, जो कि आपको इस पीसी के अंदर देखने को मिलेगा वो आपका इंटेल का कोर i5 का सेकंड जनरेशन का जो प्रोसेसर है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ पे आपको डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड जो है वो इस पीसी के अंदर जो है वो देखने को नहीं मिलेगा, बाकी तमाम चीज़ें आपको अप टू डेटेड जो है वो देखने को मिलेंगी। और इसके ऊपर भी आप दोस्तों एंट्री लेवल की गेमिंग कर सकते हैं 720p से लेकर 1080p की रेजोल्यूशन के साथ और लो टू मीडियम सेटिंग के ऊपर ये आपकी GTA 5 और PUBG जो है वो रन कर देगा और दूसरी गेम्स भी रन कर देगा जो कि ट्रिपल ए टाइटल्स के बगैर आती हैं। तो ये दोस्तों आज की हमारी बिल्ड थी, दो पीसी बिल्ड थी जो कि हमने 15,000 रुपीज़ के बजट के अंदर बिल्ड की हैं। आई होप आपको पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल मौसम ज़फर टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें सबसे पहले लेट्स वीडियो देखने के लिए, और उसके अलावा आप हमारी वीडियोज़ को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।